गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. दिस इज सोनिया एंड यू आर वाचिंग सोनिया की दुनिया. यस, आप लोग मेरी दुनिया देख रहे हो गाइस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपने मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने घर पे सेफ होगे, अच्छे से होगे एंड अपनी फैमिली के साथ होगे एंड अपनी फैमिली की केयर कर रहे होगे. फर्स्ट ऑफ ऑल बी सेफ गाइज, बहुत ज़्यादा सेफ रहे, वेयर मास्क एंड वो हर एक प्रिकॉशंस ले जो भी हमें बतलाया गया है एंड स्टे सेफ स्टे हेल्दी. सो गाइज, आज की वीडियो होने वाली है एक छोटा मोटा बस हॉल है, बड़ी हॉल नहीं है, छोटा सा हॉल है, छोटू सा हॉल है जिसमें मैंने दो प्रोडक्ट्स मंगाया है फ्लिपकार्ट से एंड आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. सो गाइज, हेयर आर माई प्रोडक्ट्स एंड मैं अनबॉक्सिंग तो मैंने दोनों की पहले कर रखी है एंड मैं इसके रिव्यू आप लोगों से शेयर करूँगी. गाइज सॉरी बिकॉज मैं आप लोगों के साथ अनबॉक्सिंग नहीं कर पाई इसकी, क्योंकि ना एक एक्चुअली हुआ क्या था ना कि ये जो प्रोडक्ट थी ये मैं यूज़ कर ली थी, मुझे जिस दिन मैं रिसीव की उसी दिन मुझे यूज़ करना पड़ा क्योंकि मुझे पार्टी में जाना था. मेरे पास पहले से कोई भी हेयर स्ट्रेटनर नहीं था, सो दैट्स वाई मुझे यूज़ करना पड़ा. सो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ अनबॉक्सिंग नहीं कर पाई. सो आप लोगों को पता चल ही गया ना कि मैंने मंगाया क्या. सो यस, आई हैव ऑर्डर्ड हेयर स्ट्रेटनर, फिलिप्स कैरेशन हेयर स्ट्रेटनर आई हैव ऑर्डर्ड. तो गाइज मुझे इस पैकेट में, इस पर्टिकुलर पैकेट में मुझे रिसीव हुआ मेरा प्रोडक्ट एंड पैकेज बहुत अच्छी थी गाइज. पैकेजिंग में कुछ कमी नहीं की थी फ्लिपकार्ट वालों ने, सो पैकेजिंग वॉज क्वाइट नाइस. सो मैंने ज़्यादा वाइड प्लेट वाला ऑर्डर नहीं किया, मैंने नॉर्मल ऑर्डर किया हुआ है. सो तो देख सकते हो आप लोग, बॉक्स नहीं पहचान गए होगे मैं किस स्ट्रेटनर की बात कर रही हूँ. आप लोग ने ऐड देखा ही होगा एंड सभी के पास होगा, आई होप सो. होना चाहिए, एक होना चाहिए सबके पास स्ट्रेटनर. सो गाइज, दिस इज़ माई हेयर स्ट्रेटनर एंड बहुत अच्छी हेयर स्ट्रेटनर मुझे रिसीव हुई है. गाइज आप लोग को मैं एक बात बताऊँ, जब मुझे ये स्ट्रेटनर रिसीव हुई थी ना तो मेरी मम्मा थी ना वो मुझे बोल रही थी, मैंने इसे चेक नहीं किया था. तो मम्मा मुझे बोल रही है अब जाओ जाओ जल्दी जाके चेक करो वरना फिर तुम्हें रिटर्न करना पड़ेगा तो तुम नहीं कर पाओगी, इलेक्ट्रिक मतलब सामान है, चेक कर लो. एक्चुअली ऐसा हुआ है ना गाइस कि मैंने कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग में कभी इलेक्ट्रिक गैजेट्स कुछ जैसे फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन्स, टीवी, फ्रिज, स्ट्रेटनर, ईयरफोन्स, ईयरबड्स मैंने आज तक नहीं मंगाया. तो यही था, तो मैं सोच रही थी मतलब मम्मा सोच रही थी ऐसा कि कुछ ख़राब ना निकल जाए, बट आई हैड ट्रस्ट कि नहीं यार इतना तो नहीं होगा ख़राब, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स भी मंगाई हैं, बहुत सारी फ्रेंड्स ने सारी ऑनलाइन ही परचेज की हैं. तो इस मेरा फर्स्ट मोटिव टू परचेज हेयर स्ट्रेटनर ऑनलाइन, मैंने क्यों परचेज किया क्योंकि ना मैं ना रांची के मोस्टली शॉप्स, मैंने मॉल्स, मैंने अपर बाज़ार के सारे मॉल्स देखे गाइस, जो कि हेयर स्किन केयर प्रोडक्ट्स को लेके बहुत फेमस जगह है, वहाँ मैंने मतलब सारा इसका रेंज पूछा. देन रेंज वॉज अबाउट समथिंग 2400, बट फ्रॉम फ्लिपकार्ट आई रिसीव द सेम प्रोडक्ट विद ओनली एंड ओनली ₹1999 में मुझे ये प्रोडक्ट रिसीव हुआ एंड मतलब जो दुकान की जो प्राइस थी गाइस वो थी मेरी 2395, वो मुझे मुझसे मांग रहे थे. तो ठीक है, लास्टली मैं वहीं से लेती, बट सडनली लॉकडाउन भी हो गया तो मुझे रांची से अपने घर आना पड़ा, इसलिए मैं वहाँ से ली नहीं थी. तो मैंने इसे ऑनलाइन परचेस किया एंड गाइस मैंने ऑफलाइन भी मैंने जाके दुकान पे भी देखा था, शॉप में भी मैंने पूरा A to Z मैंने चेक किया था. मैंने बाई नहीं किया था गाइस, बट या मैंने सारा कुछ चेक किया था, सारा कुछ, दैट मीन्स डिज़ाइन, कलर, वेट, ईच एंड एवरीथिंग मैंने चेक किया था, बॉक्स,
वारंटी कार्ड वगैरह मैंने सारा कुछ चेक किया था, द ए टू जेड चीज़ सारा चीज़ सेम है गाइज, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भी इस बॉक्स में भी ना इसकी प्राइस आप लोग मे भी देख सकते हो, तो ये दिख रहा होगा इसकी प्राइस ना यहाँ बॉक्स में वही मेंशन है जो वहाँ पे उन लोग बता रहे थे। और गाइज ऐसा नहीं है कि मैं एक शॉप गई, मैंने बहुत सारे शॉप किए गाइज, वी आर सीइंग द सेम प्राइस। ओके उसमें ऑफर नहीं होगी इसीलिए, ठीक है कोई बात नहीं, मुझे लेकिन ऑफर मुझे रिसीव हुई फ्लिपकार्ट पर। फ्लिपकार्ट पे हमेशा इस हेयर स्ट्रेटनर्स पे ऑफर चलते रहते हैं, सो आप लोग बाय करिए तो बहुत अच्छा रहेगा, और डरना नहीं है कि ऑनलाइन परचेज में कुछ ये वो ख़राब दे देंगे या फिर कुछ भी नहीं गाइस, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। और अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप लोग को कुछ ठीक है इधर उधर मिल भी जाता है प्रोडक्ट्स, दैन आप लोग उसे रिटर्न कर सकते हो गाइस, ऐसा नहीं है 7 डेज़ की आपको रिप्लेसमेंट पॉलिसी मिलती है ना, तो आप उसे रिटर्न कर सकते हो। सो डोंट बी हेजिटेटेड कि आप लोग को रिटर्न करना नहीं होगा, दिस दैट रिटर्न नहीं होगा प्रोडक्ट सब। सो जाते बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा गाइस, ऐसे ही 5 मिनट की वीडियो हो गई है। सो देखिए गाइस स्ट्रीट में बहुत प्यारी है, दिखने में बहुत स्टाइलिश है, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है ना। मैंने बाल अपने स्ट्रेट किया हुआ था तो गाइस ये मतलब लगाते ही कितना सेकंड मैं बोली 5 सेकंड 5 to 10 सेकंड में बहुत ज़्यादा वाला हीट हो जाता है गाइस। एंड मुझे पता है ये हर स्ट्रेटनर पे आपको नहीं मिलेगा, और एक कैराशिनी एक नॉर्मल स्ट्रेटनर आती है ना फिलिप्स की 1400 अप्रॉक्स समथिंग में, जब मुझे जो स्ट्रेटनर मिलती है वो आप लोग देखोगे कि उसमें ना ये लॉक नहीं दिया हुआ रहता है, ये जो पीछे लॉक दिया हुआ रहता है ना ये इसके लिए है, देख रहे हैं आपको इसे क्लोज लाइक दिस, तो ये इसके लिए है गाइस। तो ये वो ये फैसिलिटी ना वो स्ट्रेटनर में नहीं मिलती है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छा है गाइस कि ज़्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करेगा रखने में आपको, मतलब बहुत ज़्यादा है और लाइट वेट मीन्स ज़्यादा हैवी नहीं है गाइस, बहुत अच्छा है एंड बहुत अच्छा है गाइस। और पता है बस मुझे एक ख़राब इसको, मुझे लगा था ना कि जब ये ज़्यादा हीट होगा तो मतलब हीट के बाहर नहीं आएगी, मीन्स ये जो प्लेट्स है ये जो कोटिंग है गर्म नहीं होगा, बट ये हल्का फुल्का नॉर्मल गर्म होता है गाइस। आप लोग यहाँ पकड़ के से ये स्ट्रेट पर यहाँ पे ये गर्म नहीं होता, ये यहाँ पे इस पार्ट में बहुत ज़्यादा वाला मतलब हल्का फुल्का नॉर्मल गर्म होता है। सो आप लोग अच्छे से यूज़ करना, फर्स्ट मैं मज़े से स्ट्रेट कर लूँ, मैंने यहाँ पकड़ लिया उफ क्या ही बोलूँ गाइज। एंड ये जो आपको वायर मिली ये रोटेटेबल है, सो ये घूम सकता है, सो बहुत अच्छी है गाइज। आपको कभी डिफ़िकल्ट मतलब कुछ डिफ़िकल्टीज नहीं आने वाली आपको बाल स्ट्रेट करने में, और वायर भी देख सकते हो आप लोग, वायर की जो क्वालिटी है, जो प्लग की क्वालिटी है, जो वायर की क्वालिटी बहुत मोटी है, मतलब ठीक है गाइज, मोटी भी है पतली भी नहीं है मीडियम है, ठीक है मतलब अच्छी क्वालिटी की है। एंड मुझे इस छोटू पतलू वायर में मुझे ये सारे वायर ऐसे एक दूसरे से टाई मिले थे, तो मैंने ये वायर इसलिए रखा है ना क्योंकि जब मैं बॉक्स में रखूँ जब मैं बैग में रखूँ तो ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करे और ये उलझे नहीं, इसलिए मैंने ये छोटू सा वायर रखा हुआ है, जैसे पैक था वैसे ही मैं पैक कर दूँगी। और जिसके अंदर एक प्लास्टिक मुझे मिटिक में ये स्ट्रेटनर और बॉक्स के अंदर एक मुझे मैनुअल मिला है, ये यूज़र मैनुअल है गाइस, एंड इसमें सारी डायरेक्शंस मेंशन है, अगर आपको यूज़ करना नहीं आ रहा आपको कैसे यूज़ करना है, किस टेम्परेचर में यूज़ करना है, एंड पानी से इसे दूर रखना है, जब आप मतलब सारे प्रिकॉशन सारे प्रोसीजर आप यहाँ पे मेंशन है, आप इसे चेकआउट कर सकते हो। एंड यस गाइस मुझे ना एक बात नहीं समझ आई, फ्लिपकार्ट पे तो मेंशन है कि दो ईयर की वारंटी है ठीक है, बट मुझे कोई पर्सनली वारंटी कार्ड या गारंटी कार्ड मुझे रिसीव नहीं हुई है, तो जिन्होंने भी परचेज़ किया होगा हेयर स्ट्रेटनर या फिर कुछ भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स और उनको कुछ भी इस प्रोसीजर के बारे में मालूम है हाउ टू मतलब वारंटी अगर मान ख़राब हो गया
बाय द वे अगर ये कल ख़राब हो गई तो मैं क्या करूँगी गाइस, सो प्लीज़ आप लोग बताइएगा ठीक है। तो इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं फ्लिपकार्ट वाले से कॉल करूँगी, बट मैं बहुत लेजी हूँ गाइस, मैं सोची जब ख़राब हुआ तब करूँगी, क्या ही बोलूँ। सो हाँ, ज़्यादा बातें ना करते हुए, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी हेयर स्ट्रेटनर मुझे रिसीव हुई, आई एम इन लव विद दिस हेयर स्ट्रेटनर, और ये मेरी लाइफ की फर्स्ट हेयर स्ट्रेटनर है जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ, और मुझे बहुत मन था गाइस मुझे ये स्ट्रेटनर लेने का, और आज मैं ले ली। एक्चुअली मुझे ये हेयर स्ट्रेटनर मेरे पापा ने मेरे बर्थडे गिफ्ट में मुझे गिफ्ट किया, सो यस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपको प्लेटिंग, मतलब बहुत आयरनिक प्लेट है, मतलब बहुत अच्छी प्लेट्स है गाइस, ये आपके आपके बाल को मतलब ज़्यादा डैमेज नहीं करते, केराशिन एंड इट विल, जब आप लोग बाल को अपने स्ट्रेट करोगे ना तो इट विल प्रोवाइड अ शाइन ऑन योर हेयर, इट विल प्रोवाइड शाइन टू योर हेयर। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ना टेम्परेचर मीन्स आप हाई टेम्परेचर पे हीट करना चाहते हो, लो टेम्परेचर, मतलब सारा कुछ प्रोवाइडेड है गाइस हेयर स्ट्रेटनर में ना, ए टू जेड, मतलब बहुत अच्छी है। जो जो एक प्रोफेशनल हेयर स्ट्रेटनर में रहती है वो मुझे सारी कुछ देखी, मुझे उतना नॉलेज नहीं है, बट हाँ इसमें सारा कुछ है, एंड ये अपना आपके बाल को प्रोफेशनली हेयर स्ट्रेट भी करता है। अगर आप आपको ज़्यादा प्रोफेशनल वाला लुक चाहिए ना, तो मैं आपको बता रही हूँ क्या करना, आप एक बार पहले आप अपने बाल को स्ट्रेट कर लो, देन फिर आप एक हेयर स्ट्रेट कर लो, टू टाइम्स में ना ये बहुत अच्छा वाला कवरेज देता है, ये तो फर्स्ट ही में बहुत अच्छा दे देता है, बट फिर भी आप लोग मीन्स कुछ ज़्यादा वाला मतलब चाहते हो और जो ऐसे मैं तो दोबारा करोगे तो बहुत अच्छा फिनिशिंग देता है गाइस, एंड क्योंकि मैं खुद से कर रही थी गाइस, इसीलिए मुझे फिनिशिंग नहीं समझ आ रहा था, खुद से करने में बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि करते रहो तो इसीलिए, और मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी इसीलिए। और गाइस ये स्ट्रेटनर के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, ये सिल्क प्रो केयर है, केराटिन इन्फ्यूज्ड है, और इसके जो प्लेट्स है, इसके जो प्लेट्स हैं वो 90 mm लॉन्ग प्लेट्स है, एंड ये आयरनिक केयर है गाइस, सच में ये आपके हेयर को, देखो हर एक हेयर स्ट्रेटनर अगर आप इलेक्ट्रिक हीट मतलब प्रोवाइड करवा रहे हो या प्रोड्यूस करवा रहे हो, दे रहे हो आप अपने हेयर में, तो ऑफकोर्स सच ये जेन्युइन है कि थोड़ा बहुत तो डैमेज करना ही है, मतलब डैमेज वैसा नहीं, ठीक है थोड़ा बहुत तो करेगा ही गाइस, कोई भी हेयर स्ट्रेटनर हो, चाहे वो आप सलून में जाके करवा रहे हो या फिर अपने घर में कर रहे हो, तो वो करनी ही है, मीन्स इलेक्ट्रिक गैजेट से अगर आप कर रहे हो देन वो करेगा ही, तो इसीलिए। बट ये ऑर्डिनरी हेयर स्ट्रेटनर लोगों वोवा की जो हेयर स्ट्रेटनर आती है उन सबसे हेयर स्ट्रेटनर भी बहुत अच्छी है, उन सब के मुकाबले ये बहुत कम डैमेज करेगा आपके बालों को, सो मैं आपको हाईली 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 रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ये स्ट्रेटनर को परचेज करें, यूज़ करें, बहुत अच्छी है स्ट्रेटनर है गाइस, आप लोग ना निराश नहीं होंगे, ट्रस्ट में आप लोग निराश नहीं होंगे, बहुत अच्छा वाला हेयर स्ट्रेटनर है गाइस। सो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है गाइस, सॉरी फॉर डैट, मैं बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग नहीं कर बकबक बकबक कर दी, एंड सेकेंड थिंग आई हैव ऑर्डर्ड सीरम, ये मैंने यूज़ किया हुआ है, इसका मैंने येलो पैक यूज़ किया हुआ था, येलो बॉटल मैंने यूज़ किया हुआ था, एंड इसकी पैकेजिंग मुझे वाव 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 सुपर डुपर पैकेजिंग लगी, पहले तो मुझे लगा मैंने तो सीरम ऑर्डर किया है तो भाई इस बॉक्स में मुझे ये सीरम क्यों दे रहे हैं, इतनी बड़ी बॉक्स है, मुझे एक सीरम मैंने ऑर्डर किया हुआ क्या है भाई, सोया मिल्क मैंने सीरम मंगाया है क्या है इस, ये देखो मैंने ये आपको दिखाने के लिए मीन्स आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये रखा है, ये बॉक्स के अंदर देखिए मुझे इस छोटे छोटे स्ट्रिप्स कार्डबोर्ड की स्ट्रिप्स में मुझे ये मिला, मुझे ये सीरम मिला, एंड द सीरम वॉज लवली गाइस। मैं ना पहले से येलो वाला बॉटल यूज़ करती थी, बट अब भी मैंने फर्स्ट टाइम मैंने ये ब्लू वाला बॉटल ऑर्डर किया, एंड आई हैव यूज्ड दिस सीरम, आप लोग देख सकते हो एक बार लगाया हुआ है गाइस, एक बार मैंने लगाया है, थोड़ी सा मैंने लगाया हुआ है, एंड ये है स्ट्रिक प्रोफेशनल विटा रिच ग्लॉस हेयर सीरम, एंड बहुत अच्छी सीरम है गाइस, बहुत ज़्यादा वाली अच्छी सीरम है, लिवॉन से बेस्ट सीरम है, प्लस मामा अर्थ से बेस्ट सीरम है,
गाइस ममाअर्थ की सीरम मैंने बहुत शौक से ऑर्डर किया था, बहुत ज़्यादा वाले शौक से, बट मुझे मैंने एक मंथ उसे यूज़ किया, मुझे कुछ भी ज़रा सा भी इफेक्ट अपने बालों पे नहीं दिखा। एंड आप लोग ममाअर्थ के प्रोडक्ट्स जान ही रहे हो कितने हाई रेंज में मिलते हैं। सो आप लोग अगर मुझ जैसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और आप चाहते हो कुछ अफोर्डेबल रेंज में आपको हेयर सीरम मिल जाए, और वो भी अच्छा हेयर सीरम मिल जाए, ऐसा नहीं कि कुछ भी हेयर सीरम, मतलब अच्छा हेयर सीरम मिल जाए जो आपके बालों को वही महंगे वाले हेयर सीरम जैसा पोषण दे, तो प्लीज़ गाइस आई विल हाईली रिकमेंड यू दिस सीरम। दिस इज बेस्ट बेस्ट बेस्टेस्ट सीरम। मैं पहले इसकी येलो वाली बॉटल यूज़ कर चुकी हूँ, दो बॉटल मैंने यूज़ करा हुआ है ममाअर्थ से पहले, लेकिन मैं ममाअर्थ वाली ट्राई की थी। देन आई हैव ऑर्डर, मैंने देखा फ्लिपकार्ट पे इसकी ब्लू बॉटल शो करी थी, चलो ट्राई मारते हैं। तो मैंने ये दोनों सेम है गाइस, बस इसमें कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स उससे कुछ ज़्यादा हैं येलो वाले से, तो अभी मैं एक ही दिन यूज़ की हूँ, इसलिए मैं आपको ज़्यादा इसके बारे में नहीं बोलूँगी, बट येलो वाली यूज़ की हूँ। गाइस बहुत अच्छी सीरम है गाइस, बहुत ज़्यादा वाली अच्छी सीरम है, बहुत अच्छा शाइन सॉफ्ट, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी वाली सीरम है गाइस, बहुत अच्छा आपके हेयर को लुक प्रोवाइड करता है, एंड बहुत स्मूथ सिल्की फिनिश आपको देता है, बहुत हाई ग्लॉसी, मतलब बहुत अच्छा सीरम है गाइस। सो आई विल हाईली रिकमेंड यू टू बाई दिस सीरम, और बिगिनर्स के लिए, कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए जो डेली सीरम यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट बेस्ट बेस्टेस्ट सीरम है गाइस। और यही थी आज की मेरी ये वीडियो गाइस, बहुत लंबी हो जा रही मेरी वीडियो, इसलिए मैं जल्दी आप लोग को बोल के मतलब वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। एंड गाइस फिर से मैं बोल रही हूँ, स्टे सेफ इन योर होम, आप लोग हमेशा मास्क लगाएं, हैंड को सैनिटाइज करें, एंड अवॉइड अभी बाहर जाना अवॉइड करें गाइस। आप लोग कुछ अगर इमरजेंसी है तभी बाहर जाएं, वरना ना जाएं। एंड प्रे फॉर दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस वायरस, दिस प्रॉब्लम, दिस कोरोना वायरस, एंड मे गॉड ब्लेस अस ऑल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई लव यू ऑल गाइज़।